मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज वन दिया था, आप में से कई लोगों ने सॉल्व किया, मैंने आप लोगों को शाउट आउट भी दिया। अब बारी आ चुकी है एक्सरसाइज टू की और इसमें हम लोग सीएसएस का एक चैलेंज करेंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ जितने भी लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिख दो। ऐसे हाई एनर्जी मेंटेन करके रखो और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनकर आप लोग कमेंट करना अपने आंसर। जो भी सबसे पहले चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेगा उसको मैं हर्ट दूंगा और जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसको आने वाले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर मैं आ चुका हूँ और आप लोगों को अब एक्सरसाइज देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि एक फोल्डर बनाऊँगा वीडियो 20 के नाम से। तो वीडियो 20 के नाम से एक फोल्डर यहाँ पर बनाऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपली शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करके खोलूँगा। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना। देखो, मैं आप लोगों को एक सीएसएस की एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों ने करना क्या है कि कोई भी आपको पैराग्राफ अगर मिलने वाला है तो अगर किसी भी डिव के अंदर पहला पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड को आपने येलो करना है और कलर को रेड करना है और आपने ऐसे 5 डिव्स बनाने हैं और एक सीएसएस क्लास आप लोगों को बनानी है जिसके अंदर आप लोगों को ये स्टाइलिंग देनी है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है, राइट HTML एंड CSS कोड टू स्टाइल अ पैराग्राफ इनसाइड अ डिव सच दैट कि फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट हैव बैकग्राउंड कलर येलो एंड टेक्स्ट कलर रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए एंड टेक्स्ट कलर रेड और दी अदर पैराग्राफ्स मस्ट हैव बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारे कोड के साथ इंटरफेयर ना करे। और यहाँ पर मैं HTML कोड लिखने वाला हूँ, तो ये आप लोगों को लॉरम 23 और उसी के साथ साथ यहाँ पर आई एम अनदर पैरा, ठीक है, और मैंने इस तरह से लिखा है और मैं इस तरह के 2 डिव्स बनाऊँगा और मैं यहाँ पर पी लिखूँगा आई एम ऑल्सो अनदर पैरा और यहाँ पर इस तरह के मैं 2 डिव्स बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमें कुछ इस तरह से CSS रूल्स लिखने हैं सच दैट कि आप लोगों का जो पहला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ जो है डिव के अंदर, उसकी स्टाइलिंग अलग होनी चाहिए और इन पैराग्राफ्स की स्टाइलिंग अलग होना चाहिए। आपको पैराग्राफ में क्लास नहीं डालनी। आप ये मत बोलना कि मैं इस पैराग्राफ में क्लास डाल दूंगा, नहीं, आप लोगों को HTML में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, डू नॉट टच द HTML, मैं यहाँ पर लिख दूँ डू नॉट चेंज दिस HTML। ठीक है, ये HTML चेंज नहीं होनी चाहिए, ये शर्त है हमारी। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए अच्छी तरह से। तो अगर मैं इस HTML को प्रीव्यू करूँ तो आप देख सकते हो कि इस तरह से दिखाई पड़ेगी, बहुत ही सादी HTML है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बेसिक है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा क्या हुआ था कि बहुत कम लोगों ने आंसर किया था। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड सबसे पहले ज़रूर लिख लेना और कोई भी अगर सॉल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को तो आप एक हैशटैग डाल देना सॉल्यूशन का। ठीक है, क्या हैशटैग डालोगे आप? सॉल्यूशन का हैशटैग सॉल्यूशन लिख देना, कुछ इस तरह से ऐसे लिख देना ताकि मैं सर्च कर पाऊँ हैशटैग सॉल्यूशन करके। ठीक है, और चैलेंज एक्सेप्टेड तो भाई लिखना ये सबको मैंडेटरी है सबके लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी अभी तक इसको एक्सेस करें। उसी के साथ साथ मैंने सोर्स कोड यहाँ पर दिया हुआ है नोट्स के लिए, आप लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर नोट्स पर क्लिक करके आप लोग नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मैंने सारे नोट्स जो हैं वो डाल दिए हैं यहाँ पर, आप PDFs डाउनलोड कर सकते हो HTML और CSS की और चैप्टर वाइज भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सबका सॉल्यूशन चाहिए मुझे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मज़ा आ रहा है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।